हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे मेसी का इस वाले पोर्ट्रेट का एक आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल। एंड अगर आप लोग कोई भी पिक्चर का आउटलाइन ड्रॉ करना चाहते हो और वो भी फ्री हैंड, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं यहाँ पर सिर्फ पेंसिल मेजरमेंट से आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है एक मैकेनिकल पेंसिल, और अगर किसी जगह इरेज करना है तो उसके लिए है एक मैकेनो इरेजर। ये ऑप्शन रखा ही है और इसका प्राइस है ओनली 20 रुपीस। बहुत ही अच्छा एक इरेजर है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर बाय करना। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ऐसा करके पोर्ट्रेट को मोबाइल में रोटेट करके लेती हूँ लैंडस्केप मोड में, ऐसा करके देन इसको मैं जूम करती हूँ। जितना बड़ा मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ तो उसके हिसाब से मैं जूम कर लेती हूँ। तो जूम करने से क्या होता है कि पिक्चर को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए अब ऐसा करके रेफरेंस को रोटेट कर लेना। रोटेट करके जूम करने से क्या होगा कि पिक्चर लैंडस्केप मोड में भी होगा और ज़्यादा जूम भी कर पाओगे। तो उसके लिए रोटेट करके जूम करना आप लोगों के हिसाब से, जितना जूम चाहिए उतना ही। मैं यहाँ पर 4:8 से ही दिखाती हूँ। तो ऐसे जूम करने के बाद पेपर के ऊपर मोबाइल फ़ोन को रखना और थोड़ा बहुत आइडिया करना कि पूरे फेस पेपर पे आ जाएगा या नहीं, पेपर से छोटा होता है या फिर पेपर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरे हिसाब से इतना जूम बस ठीक है। और फिर हेयर्स कितने जगह पे है उसके लिए ऐसा करके पेंसिल से माप लेना, और ऐसा करके माप लेने के बाद पेपर पे एक मार्क कर लेना कि इतने जगह पे हेयर्स आ जाएंगे। आप चाहो तो एक लाइन भी टान सकते हो ऐसा करके, जो आपके लिए सुविधा हो वो ही करना। और फिर ऐसा करके 4:8 के लिए भी ऐसा करके मार्क कर लेना, और फिर ऐसा करके मैं पेंसिल मेजरमेंट से नोज स्लीव्स इसके लिए भी मार्क कर दूंगी। एंड गाइस, जब तबीयत खराब थे तब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड किए थे, बट तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आगे और भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा वॉइस ठीक होने के बाद आज फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप अभी वॉइस आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से देखना, मैं कैसे एक एक पार्ट को पेंसिल मेजरमेंट से मार्क कर रही हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल जितना अच्छा होगा ड्राइंग उतना ही परफेक्ट दिखेगा, तो उसके लिए रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। अगर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो आउटलाइन परफेक्ट नहीं होगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए देखना कि रेफरेंस में किस तरीके का आइज़ है, किस तरीके का नोज़ है, नोज़ कैसे है, उसके शेप कैसे है, लिप्स ईयर्स इसके शेप कैसे है, इसको पहले अच्छे से देख के समझना, देन पेपर पे धीरे धीरे ड्रॉ करना। एक बार रेफरेंस को देखना एंड फिर पेपर पे ड्रॉ करना, ऐसा करके धीरे धीरे ट्राई करना, जल्दबाजी मत करना। मैं ज़्यादातर ऐसे ही आउटलाइन को ड्रॉ करती हूँ इस तरीके के पेंसिल मेजरमेंट से और प्लस साइन से, और वो ही आप लोगों के साथ भी शेयर किया। पेंसिल मेजरमेंट से भी आप परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, और आप लोगों को अगर आउटलाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से आप लोग एक एक पार्ट को माप के ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल मेजरमेंट से। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि रेफरेंस फोटो को मोबाइल में जितना जूम करके ड्रॉ करोगे उतना जूम करके ही पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरा ड्राइंग एक ही साइज में रखना है। अगर जूम आउट कर दोगे तो फिर से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से देखो एंड ऑब्जर्व करो। अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता देना। एंड इस रेफरेंस फोटो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
सो हे गाइस, आप लोग देख सकते हो आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड पूरे आउटलाइन को मैं पेंसिल मेजरमेंट से ही कंप्लीट किया हूँ आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे पेंसिल मेजरमेंट से आउटलाइन ड्रॉ करते हैं एंड इस तरीके से भी आप एक परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। एंड कमेंट करके बताना कि इस ड्राइंग को आप कौन सा मीडियम में कंप्लीट ड्राइंग देखना चाहते हो, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल स्केच, ये कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।